पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में एमएनएस नेता निजेई की पिटाई, पानी की सप्लाई कम होने से नाराज था एमएनएस का नेता। यूपी के अलग अलग हिस्सों में कोहरे और धुंध का कहर, आगरा में कोहरे ने स्कूली बच्चों को किया परेशान तो कन्नौज में रेलवे की आवाजाही पर असर। पंजाब में कोहरे ने रोकी रफ्तार, अमृतसर से लुधियाना तक रेलवे सड़क यातायात पर पड़ा असर, कई जगह विजिबिलिटी जीरो। मुंबई के सार्वजनिक शौचालयों की रेटिंग के लिए लगाई जाएंगी मशीनें, लोग दे सकेंगे अपनी राय, बीएमसी को सफाई करने में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को देगी कैशलेस पेमेंट की ट्रेनिंग, सरकार ने सभी कलेक्टर को जारी किया आदेश। खजुराहो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, फिल्म फेस्टिवल में 18 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन होगा, ये समारोह 14 दिसंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र के यवतमाल में शराबबंदी की मांग को लेकर स्वाभिमानी संगठन ने निकाला मार्च, संगठन ने की शराबबंदी लागू करने की मांग। इंदौर पुलिस बनाएगी बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन पंचायत, पारिवारिक दिक्कतों से परेशान लोगों के लिए पंचायत। अमेरिका ने भारत को दिया मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा, अमेरिकी रक्षा मंत्री की पर्रिकर से सातवीं मुलाकात। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान, पाकिस्तान नहीं चाहता भारत से दुश्मनी, कश्मीर के चलते सामान्य नहीं हो सकते संबंध। यूके में फिर दिखी पाकिस्तानी सेना की आम जनता पर बर्बरता, शांति मार्च कर रहे लोगों पर बरसाए गए लाठी डंडे, दर्जनों लोगों को आई गंभीर चोटें। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे से आजाद कराए गए अलेप्पो के अल सखोर में लोगों ने बसना शुरू कर दिया है, जिनके पास घर नहीं है वो कैंपों में शरण ले रहे हैं। इराक के मोसुल में सेना और आईसिस के बीच जंग जारी, आईसिस पर बढ़त के बावजूद सेना को करना पड़ रहा है आत्मघाती बमों का सामना। उत्तरी सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर तुर्की सेना का जबरदस्त हमला, जारी किया वीडियो, 12 ठिकाने खत्म, 23 आतंकी मार गिराए गए। समंदर में प्लास्टिक के कचरे पर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने शुरू की रिसर्च, वैज्ञानिकों का एक दल हवाई द्वीप पर उतरा। पाकिस्तानी विमान क्रैश में मरने वालों के शव एबटाबाद लाए गए, अभी तक हो पाई है 40 शवों की खोज। अमेरिकी एयरफोर्स ने कैप कार्निवल से छोड़ा सैटेलाइट, दुनिया भर में अमेरिकी एयरफोर्स की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का मकसद। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद खुले में रात बिताने को मजबूर पीड़ित, 102 पर पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदूषण बढ़ने के बाद ऑड इवन फॉर्मूला लागू, नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना, एफिल टावर पर भी धुंध। चीन के हुतुबक काउंटी में भूकंप के तेज झटके, सीसीटीवी में दिखी खिड़कियों से कांच टूटने की तस्वीर, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2। अनुष्का शर्मा ने दिए अपनी शादी के संकेत, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अक्षय कुमार की जोली LLB 2 का 19 दिसंबर को होगा ट्रेलर रिलीज, वकील की भूमिका में नजर आएंगे अक्षय कुमार। पेरिस के ग्रेविन वैक्स म्यूजियम में रखा जाएगा रणवीर सिंह के मोम का पुतला, इस म्यूजियम में जगह पाने वाले पहले बॉलीवुड स्टार बने। दुबई में रणवीर सिंह और वाणी कपूर ने किया बेफिक्री का प्रमोशन, दुबई फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग में रखी गई है फिल्म। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल की रिलीज डेट बढ़ सकती है आगे, पिता राकेश रोशन ने दिए संकेत, शाहरुख की फिल्म रईस से क्लैश हो रही है रिलीज डेट। निखिल आडवाणी की अपकमिंग फिल्म लखनऊ सेंट्रल से कृति सेनन ने किया किनारा, अब सयामी खेर आएंगी नजर। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में वापसी करने के लिए बेताब, प्रियंका ने अभी नहीं किया बॉलीवुड के किसी ऑफर का ऐलान। मिलन लुथरिया की फिल्म बादशाहो 1 सितंबर 2017 को होगी रिलीज, अजय देवगन और इमरान हाशमी होंगे मुख्य किरदार में। दीपिका पादुकोण पहली बार चुनी गई दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव एशियन महिला, 4 बार की विजेता प्रियंका चोपड़ा को पछाड़ते हुए दीपिका ने टाइटल अपने नाम किया। फिल्म रईस की रिलीज का इंतजार कर रहे शाहरुख खान की नोटबंदी पर पॉजिटिव सोच, रईस 25 जनवरी 2017 को रिलीज होगी।